स्टार्ट स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, दिस इज द क्रैश कोर्स वीडियो इंग्लिश ग्रामर चैप्टर टू। आज मैं चैप्टर टू का टॉपिक है नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स क्या है? तो नेमिंग वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड्स किसी भी नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं। जैसे कोई भी नाम, जैसे कोई एनिमल्स, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, जो भी नेमिंग वर्ड्स है वो नाउन कहलाते हैं। नेमिंग वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड नाउन। या फिर इसको इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, नेम्स ऑफ पर्सन्स, नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। फॉर एग्जाम्पल, पटना, पटना क्या हो गया? प्लेस। एनिमल लायन, कोई भी शहर, जगह, जो भी एनिमल में बहुत सारे एनिमल्स आ सकते हैं। थिंग्स में चेयर, टेबल। नेम्स में मोहन, सीता, गीता, जो भी नाम है पर्सन का उन आ सकते हैं। तो ये हमारे नेमिंग वर्ड्स, नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स आर कॉल्ड नाम। यानी जो भी प्लेसेस, एनिमल्स, थिंग्स, पर्सन के जो भी नाम है वो नाउन कहलाते हैं। नाउन यानी नेमिंग वर्ड्स। अब मैंने ये आप लोगों को पहले भी बताया था, आई होप आप लोगों ने इसे रिवीजन भी किया होगा, अपनी कॉपी में बार बार लिखने की प्रैक्टिस भी की होगी। मैंने आप लोगों को इसमें कुछ सम क्वेश्चंस भी दिए थे, जैसे अंडरलाइन दी नेमिंग वर्ड्स, यानी जो नेमिंग वर्ड्स है उसमें अंडरलाइन करना। सीता इन द गर्ल, जैसे यहाँ सीता, तो सीता एक पर्सन है, तो यहाँ पे सीता क्या हो गई? नेमिंग वर्ड। तो यहाँ पे सीता में अंडरलाइन करना। गर्ल, गर्ल भी नेमिंग वर्ड है, तो इसमें भी आपको अंडरलाइन करना है। बेकर बेक्स केक। अब आपको बताना है यहाँ पे नेमिंग वर्ड्स कौन सा। तो बेकर भी नेमिंग वर्ड है, केक एक थिंग है यानी कोई वस्तु है, तो यहाँ पे केक के नीचे भी अंडरलाइन करना। इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन हैं। माय हाउस इज बिग, तो यहाँ पे हाउस क्या होंगे? नेमिंग वर्ड। तो नेमिंग वर्ड्स क्या कहलाते हैं? नेमिंग वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड नाउन। यानी कोई भी पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स जो भी है उनके नाम वो नाम कहलाते हैं या नेमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। अब मैं आपको सेकंड टाइप का क्वेश्चन दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप लोगों को ये करना, सर्कल द नेमिंग वर्ड। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड, यहाँ पे सर्कल द नेमिंग वर्ड।
my new bicycle. यहाँ पे जो नेमिंग वर्ड है उसमें सर्कल करना, जैसे बाइसिकल तो इसमें हमको सर्कल करना। इस तरह से मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी पहले भी करवा दिया है। मैंगो द स्वीट फ्रूट, तो यहाँ पे मैंगो नेमिंग वर्ड है, फ्रूट भी नेमिंग वर्ड है। आप लोग भी की बुक में भी मैंने दिया था, आई होप आप लोगों ने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट किया होगा। ये नेमिंग वर्ड से रिलेटेड देखिए, अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस, फिल इन द मिसिंग लेटर इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ क्लूज। तो ये मैंने आप लोगों को करवा दिया। सर्कल इन ईच ग्रुप, जैसे द थिंक है तो यहाँ पे कौन सी वस्तु, जैसे काउ कैट, तो यहाँ पे कप क्या है, कोई वस्तु है तो उसमें सर्कल करना है। तो ये नेमिंग वर्ड्स आप लोगों का चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसे लर्न करने की कोशिश कीजिए और लर्न करके अपनी कॉपी में